नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे व्यापार में बन रही बार बार रुकावट को दूर करने का। व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार करते हैं, व्यापार में तरक्की नहीं होती या नया व्यापार शुरू होने से पहले ही बंद होने की तादाद पे आ जाते हैं। बार बार आप काम को चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में बुध ग्रह नीच का हो या क्रूर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको सता रही हो, तो आप बुध ग्रह का उपाय कीजिए। स्थान अंतरण का भी योग हो जाता है कि जन्म स्थान से दूर जाके आप व्यापार में कामयाब हो, तरक्की करें। अगर आप चाहते हैं कि अपने ही जन्म स्थान पे निवास स्थान के आसपास व्यापार करना चाहते हैं, वहीं तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, तो सही ढंग से कुंडली दिखवाकर उसके माध्यम से उपाय कीजिए। फिर भी छोटा सा उपाय बता देते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट प्राप्त होगा। बुधवार के दिन आपको साबुत मूंग लेनी है, मूंग की दाल लेनी है और आटा गूंथकर एक पेड़ा तैयार करना है। उसमें एक पाव आपको साबुत मूंग लेकर उस आटे के पेड़े में आपको दाल देनी है। फिर आपको हरे रंग की कोई भी सब्जी हो या मटर हो, पालक हो, धनिया मेथी, कोई भी सब्जी हो, उसको लेकर गाय माता को बुधवार के दिन प्रातः के समय खिलाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ये उपाय करने के बाद आपको किसी को भी नहीं बताना है, ना ही अपने मित्र को, भाई को, माता को, पिता को, बहन को, बेटी को, पत्नी को या मित्र को नहीं बताना कि आज मैंने ऐसा उपाय किया या क्या किया। गुप्त ढंग से करना है। ये तीन बुधवार कीजिए, पहले ही बार करने पर आपको व्यापार में फर्क दिखाई देगा। दूसरे बुधवार तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और तीसरे बुधवार तक आपको पूरा पूरा निचोड़ मिल जाएगा। अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कष्टकारी ग्रह हुए, क्रूर ग्रह की दशा अंतरदशा हुई, बुध ग्रह नीच का हुआ या बुध क्रूर ग्रहों से पीड़ित हुआ, तो हो सकता है शायद ये उपाय थोड़ा रिजल्ट दे पाए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुंडली का आप फलादेश करवाकर, कुंडली दिखाकर, विश्लेषण करवाकर ही समाधान उपाय कीजिए, रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। स्वाद के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका भी कोई समस्या है, प्रश्न है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी जुड़ सकते हैं, www.astrosarthi.in। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। सो धन्यवाद, भगवान आप पे कृपा करें। वीडियो को शेयर जरूर करना जी और लाइक करना ताकि हमें हौसला हो। और आपका कोई प्रश्न है, मन में शंका है, संशय है, तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपका प्रश्न का उत्तर बहुत जल्दी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। माता रानी आप पे कृपा करें। हर हर महादेव।